हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को पुनः एक बार स्वागत करता हूं और इस वीडियो में देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 के आंसर को देखेंगे। टिक व्यू को रीड्रॉ कर और उसमें जो मिसिंग लाइनें थी उसे ड्रॉ कर देना था। तो चलिए हम उसका कैसे आंसर करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले व्यू बनाएंगे जो दिया गया है और उसमें क्या मिस्टेक उसको बताएंगे, उसके बाद डायमेंशनिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे बना रहा है। इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली आपको अपने नोटबुक में बनाना होगा जहाँ से आपको अभ्यास करना है, या फिर आपने क्या बना कर आया है उसे आप चेक कर लेंगे कि मैंने क्या गलती बनाया और क्या सही बनाया। तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले कोशिश किया जा रहा है कि आपको अपडेट दिया जाए। तो आप देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो माप दिया उस माप को ले लें। मैं अपने यहाँ पे स्केल है और इस स्केल की मदद से आपको बता रहा हूँ। तो मेरे प्रश्न में जो दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपको 24 mm दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या करें, एक पॉइंट डिसाइड कर लें, इस पॉइंट को डिसाइड कर लें और यहाँ से 24 mm आप यहाँ से ले लें स्केल पर। तो मैं यहाँ पर 24 mm ले रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये बहुत छोटी मान है, 24 mm की 2.4 सेंटीमीटर की मान जो लेंगे 24 mm का होगा। इसलिए यहाँ पे स्केल को आप बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे बाबू कि यहाँ पे जो आपको 1:1 में बनाया जाता है तो जितना दिया उतना ही मान बनाते हैं। दूसरा है कि आपको 1:1 के बाद आता है 2:1 और यहाँ आता है 1:2। तो हम इस स्केल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको 2:1 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है कि आपको 24 है उसे 48 ले लेंगे। जहाँ पर आपको 15 दिया है उसे आप 30 ले लेंगे और जहां आपको 14 mm स्क्वायर दिया है उसे आप 28 mm स्क्वायर लेकर बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं यहां पे। सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं कि मान ले लेते हैं कितना जी 24 mm, और 24 mm के मान लेने के साथ साथ यहां पे कितना ऊंचाई भी कितना लेना था, 24 mm ऊंचाई लेना था। तो मैंने 24 mm ऊंचाई भी लिया और यहाँ भी आपको क्या करना है, 24 mm ऊंचाई लेना था। तो आपने देखा यहाँ पर 24 mm ऊंचाई लिया और पुनः इसको क्या करना था, मिला लेना था, क्योंकि ये अब्लिक बन रहा है। तो ये मान होता है कि एक डायमेंशन 0° पे और दूसरा डायमेंशन जो होता है 45° पे लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं एंगल को, 45° एंगल पे हम बनाएंगे इसके वैल्यू को। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 45° पर सेट उसका सेट, मतलब जो ड्राफ्टिंग मशीन को सेट किया और यहाँ से मैंने कितना मान ले लिया, जो मान दिया गया आपको 24 mm। तब 24 mm यहाँ ले लो, फिर आप क्या करो कि 24 mm यहाँ भी ले लो। आपने 24 लिया और उसी प्रकार से क्या करेंगे कि यहाँ से भी आप 24 ले लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 24 का मान मैंने ले लिया, लेंथ को ले लिया अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको 90° पर रख कर इसे मिलाएंगे, जो आपको पूर्व की लाइनें वर्टिकल ड्रॉ की गई उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ मिला लीजिए इन दोनों को, लाइनों को आपस में मिला दिए। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि इसे 0° पर आप क्या करोगे कि इसे मिलाओगे, यानी कि जो आपने ये मिलाया है इसी के जैसा यहाँ भी मिलाओगे, मिल जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ तक ने आपने देखा तो मिल गया। नेक्स्ट में आपको क्या करना था कि इसके बीच में आपको होल बनाया गया था, तो आप होल बना लेंगे। ये आपको 14 mm छोड़ना है, तो इसके बीच में आपको कितना छोड़ना है, बराबर दूरी छोड़ना था। तो आप यहाँ पे बराबर दूरी छोड़ते हुए बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे माप को छोड़ते हैं बराबर बराबर में। तो ये मैंने यहाँ छोड़ दिया और यहाँ पे कितना जी, आप 5-5 mm दोनों किनारों पर छोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ मान दिया गया है 24 और आपको स्क्वायर दिया गया है 14 का, तो घटाइएगा तो इसमें से 10 मिलेगा। तो 10 को आप चारों बल से छोड़ना है, तो यानी कि दो साइड में 5-5 छोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, फिर दो साइड में छोड़िए तो 5-5 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप मार्किंग कर लो 5-5 mm का और मार्किंग करके यहाँ से मिला लो। तो फिर हमने क्या किया कि मिलाया जी यहाँ से मार्किंग करके 5-5 mm पे। अब इसी को क्या करेंगे, हम स्केल को फिर एडजस्टमेंट करेंगे और मिलाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने मिलाया और यहाँ से 5 mm को छोड़ना है दूरी, तो मैंने यहाँ पर 5 mm को दूरी छोड़ा और अंदर भी 5 mm को छोड़ा, यहाँ से स्क्वायर किया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर भी 5 mm को छोड़ना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ छोड़ा और इस तरह से आपको दिखाया। नेक्स्ट में क्या, ये वाला एरिया को घेर देंगे, तो मैंने घेर दिया यहाँ से दोनों एरियाओं को, देखा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर बन गया। नेक्स्ट में आपको देखना है कि इसके मध्य को निकालना है, इसके मध्य में। तो मध्य कैसे निकालेंगे, तो आप इसके 24 के आधा कितना करेंगे, 12 कर देंगे और 12 पे क्या करेंगे, एक आपको सेंटर लाइन ड्रॉ कर देना है। तो सेंटर लाइन आपको क्या होती है कि आपको छोटे बड़े लाइनों को मिलाकर बनाया जाता है, तो इस प्रकार से कर देंगे। और यहाँ भी आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करना होगा, तो आप निशान कर दो 12 mm पे। तो यहाँ भी आपने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया, इस तरह सेंटर लाइन दोनों तरफ आप ड्रॉ कर देंगे। आपने देखा कि ड्रॉ किया मैंने। अब ड्रॉ करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताया गया कितना लेना है, फाई का मान है 15 और 15 लेना है। तो आप इसमें क्या करो, एक सर्किल बना दो, कितना करो जी, सर्किल बना दो यहाँ पर। तो सर्किल बनाएंगे 15 mm का राउंड लेकर, तो ये अपना सर्किल इस तरह से बना लीजिएगा सर्किल। अब इस सर्किल बनाने में आपको क्या करना है, डबल सर्किल बनाना था, क्योंकि इसके अंदर आपको कट दिखाना है। तो आपने डबल सर्किल बना लिया
अभी मान लेकर बनाना है, जितना फाई का दिया उतना ही फाई के मान लेकर बनाना। नेक्स्ट में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इनक्लाइन लाइन खींचेगा, यानी कि आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे इसको मिलाने के लिए, यहाँ पे तो मिल गया। नेक्स्ट में ये जो होल कट के जा रहा उधर की तरफ वो होल दिखेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप जो एंगल लिए हैं 45 डिग्री का, वो 45 डिग्री एंगल से आप यहाँ से ले लीजिए सेंटर, सेंटर लाइन आप यहाँ से जैसे ही खींचिएगा इस तरह से एक सेंटर लाइन जाएगा, तो ये सेंटर लाइन अंदर को होते हुए चला जाएगा, इस लाइन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसी लाइन पे चला जाएगा, पीछे में यहाँ निकल जाएगा सेंटर लाइन इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद है कि यहाँ से आपने कितना लिया था, तो 24 mm, तो इस सेंटर वाल से आप क्या कीजिए कि 24 mm पर ले लीजिए, यहाँ पे आप 24 mm ले लीजिए, और यहीं आप रख कर राउंड किए थे बाहर वाला, तो यहीं से आप क्या कीजिए इसको राउंड कीजिए, तो आप राउंड कर दीजिए यहाँ से रख के, तो आप राउंड कीजिएगा तो आपका राउंड इस तरह से 24 वाला यहाँ पर दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से बनाना था, बना दिया। नेक्स्ट में आपको क्या करना था, इसके डायमेंशनिंग करना था, तो अब डायमेंशनिंग करना था, तो चलिए डायमेंशनिंग कर लेते हैं। जिस तरह से आपके ऑब्जेक्ट में दिया था उसी तरह से आपको यहाँ पे करना था। अब मिसिंग क्या क्या चीज़ था मैं उसको बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा लाइन खींच दिए यहाँ पे। अब इस लाइन खींचने के बाद डायमेंशनिंग वैल्यू के लिए खींचेंगे, तो अब यह डायमेंशनिंग लाइन खींच रहे हैं अभी, और डायमेंशन लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें डायमेंशन देना होगा। अब नेक्स्ट में इधर वाले डायमेंशनिंग लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये 5-5 mm का है, तो आप यहाँ भी 5-5 mm की लाइनें खींच देंगे अपना जो डायमेंशनिंग का है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से लाइनें खींचेंगे, ये आपके यहाँ हो जाएगी, बीच की लाइनें खींच देंगे और किनारे की लाइनें इस तरह से खींच देंगे। नेक्स्ट वाले को खींचने के लिए आपको पूरी माप खींचने के लिए यहाँ पे एक दूसरी लाइन खींचे, डायमेंशन लाइन खींचेंगे जो इस प्रकार से होगा, दूसरी लाइन खींच दे। अब इसी के अंदर सभी मान को लिख देंगे, क्या करेंगे बाबू, तो आप यहाँ पे देखो कि क्या क्या मैंने एरो हेड बनाना स्टार्ट किया। देखो एरो हेड का रेशियो होता है 3:1 होता है, यानी कि आपको लंबाई और हाइट का रेशियो होता है, तो आपने यहाँ खींच दिया इस तरह से, उसी अनुपात में आपको खींचना और बनाना होता है, तो आप खींचेंगे बनाएंगे यहाँ पे, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप देखते रहिए और बनाइए। यहाँ पे मैंने पूरी मान को लिखने की कोशिश किया है कि आपको बता दूँ पूरी पूरी जानकारी के साथ किस प्रकार से बनाना था, तो मैंने यहाँ बना दिया। और जितनी एक्स्ट्रा लाइन होगी उस एक्स्ट्रा लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन को इरेज कर लेंगे, तो आप देख लो यहाँ पे मैंने इरेज भी किया। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, लिखना है यहाँ पे कितना लिखना है बाबू, ये है 5 mm, आप देख लेंगे अपने प्रश्न में, यहाँ 5 mm, दूसरा क्या है बाबू, यहाँ भी आपको 5 mm, बीच में बचा एरिया कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कुल टोटल एरिया कितना है, 24 mm है, तो आप देख लेंगे यहाँ से 24 में से, तो इसके अंदर आप 24 दिए और 5-5 ये 10 दिए, तो बीच में बचा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपको, ये 12 mm हो जाएगा, और टोटल एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 mm हो जाएगा। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे कितना दिखाया गया, तो ये आपको 12 mm हो जाएगा, टोटल आपको 24 दिया है, तो आप 24 लिख देंगे। ओवरऑल लिखने के बाद, और सारे क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, ये वाला एरिया को स्क्वायर लिखा है, तो इसे इंक्लाइन लाइन के साथ खींचकर फिर इसे हॉरिजॉन्टल में मोड़ दिया जाता है, और मोड़ने के बाद यहाँ पर लिख दिया जाता है ACQ 14, यानी कि 14 के स्क्वायर में है। और दूसरा यहाँ से हम जो सर्किल बनाए हैं, यानी कि इसका फाई का मान कितना है, तो ये आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ ये सर्किल है, इस सर्किल का मान आपको फाई कितना है बाबू, 15। तो इस तरह से आपको बनाना था पूरी, आपके जो लाइनें छूटी थी मैं उसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी लाइनें छूटी थी और ये सर्किल छूटा हुआ था, और यहाँ पे आपको सर्किल के अंदर दिखाना था जो स्लॉट कटी थी, और ओवरऑल डायमेंशनिंग इस तरह से करना था, तो मैंने यहाँ पे किया और समझाया। और इसको लिख देंगे आप अपने से कि जिसका लेंथ आपको ज़्यादा होता है वो फ्रंट होता है, जिसका कम होता है वो साइड होता है, तो यहाँ पे दोनों लेंथ बराबर है। प्रश्न पत्र में आपको ये नहीं पूछा है कि कौन फ्रंट है कौन साइड है, तो खुद अपने से भी डिसाइड कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो मैं इसे डिसाइड कर देता हूँ, ये अपना फ्रंट कहलाएगा और इसे मैंने बोल दिया कि ये कहलाएगा साइड, लिखेंगे साइड और यहाँ लिखेंगे फ्रंट, फ्रंट का दूसरा भी नाम होता है एलिवेशन, और ऊपर में हम लिख देंगे प्लान, और इसके नीचे लिख देंगे क्या कि ये आपको ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्लिक है, तो आप यहाँ पे ऑब्लिक लिख लेंगे। लिखने के बाद जस्ट बाद आपका ये कंप्लीट होता है, आंसर इसका 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही बनाना था, आप बना लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ।
और फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको 3 नंबर, उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे रहे हैं और उसे देखिएगा। आप बने रहिए मेरे साथ, सभी प्रश्नों को मैं 1 बाय 1 करके आंसर देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।